तो ये है ब्रिज स्टोन सेलेक्ट सुपर टायर शॉप। ये हमारी चल रही है 50 पे क्रूज पे और यहाँ पे स्पीड आ रही है 46। ये जो पहले मैं नापा था ये 13 आ रही थी। ग्राउंड क्लियरेंस 11 mm बढ़नी चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm होता है तो अब मिनिमम 206 तो हो ही गया है। गाड़ी का स्टेयरिंग भारी भारी तो नहीं हुआ? नहीं, स्टेयरिंग और स्मूथ हो गया, ब्रेकिंग अच्छी हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग में। इस वीडियो में आप देखेंगे हमारी रोड ट्रिप के साथ ही हमारी कार वेन्यू के टायर अपग्रेड प्रोसेस, जिसे हम अपग्रेड कर रहे हैं ऑल टेरेन टायर के साथ में। अगर आपके पास नेक्सॉन, ब्रेजा या सोनेट है और आप उसका भी टायर अपग्रेड कराना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है। वैसे तो टायर घिसने पे आप सेम साइज टायर भी डाल सकते हो, लेकिन जैसे कि हमारी जो है ड्राइव पहाड़ों पे और जंगलों पे ज़्यादा है तो इस बार हम ऑल टेरेन टायर डाल रहे हैं, जिसके लिए मैंने काफ़ी R&D करी है कि कौन सी कंपनी का बेटर है, कौन सा टायर बेटर है। और अगर सेम साइज़ का भी टायर आपको लेना है तो भी हम आपको बताएंगे कौन सी कंपनी बेटर है, कौन सी कंपनी का कौन सा टायर आपकी गाड़ी के लिए सही रहेगा। कंपनी से इस गाड़ी में टायर जो लग के आया था वो था 215/60R16 का, जबकि हम जो अपग्रेड कर रहे हैं वो लगेगा 215/65R16 का, क्योंकि 60 में कोई ऑल टेरेन टायर नहीं आते हैं। तो उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि अपसाइज करने में क्या क्या इशू आ सकते हैं या क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं। जब भी हम टायर अपसाइज करते हैं कई सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, जैसे कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस या कहीं हाइट, फिर उसमें आपका ओवरऑल सरकमफ्रेंस जो कि बोलते हैं 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर इस साइज के साथ में हमारा सरकमफ्रेंस ओवरऑल लगभग 3% बढ़ेगा। और हाइट वगैरह भी मैं आपको पहले भी नाप के दिखाऊंगा, फिर बाद में नाप के दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी इस टायर को अपग्रेड कराने के बाद। और बोलते हैं स्पीडोमीटर में आपकी स्पीड में हो सकता है चेंज आ जाए, जैसे कि अगर आपकी स्पीडोमीटर 90 दिखा रहा है तो हो सकता है आपकी गाड़ी उस समय 95-97 पर चल रही हो। तो इसके लिए भी हम पहले इसको GPS से चेक करेंगे कि पहले हमारी स्पीड कितनी है और टायर अपग्रेड करने के बाद हमारी स्पीडोमीटर में कितना फ़र्क आता है। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें, जिसमें मैं आपको प्राइस भी बताऊँगा हमें कितने का टायर पड़ रहे हैं और इसमें और क्या क्या ऑप्शन थे हमारे पास, किन किन और कंपनियों के साथ हम जा सकते थे ऑल ट्रेन और हाईवे ट्रेन दोनों टायर के साथ। तो अभी चलते हैं टायर शॉप, जो कि मैं लखनऊ में जा रहा हूँ सुपर टायर शॉप में। इसको भी मैंने क्यों चूज़ किया इसका भी रीज़न मैं आपको इस वीडियो के बीच में ही बताऊँगा। अभी गाड़ी 45 पे क्रूज पे चल रही है तो ये जो स्पीड है स्पीडोमीटर से सेट है, और ये देखिए GPS से कितनी स्पीड दिखा रहा है। GPS की स्पीड एक्चुअल होती है, गाड़ी का मीटर थोड़ा ज़्यादा सेट रहता है। अब मैं फिर से क्रूज पे लगा रहा हूँ, अब की 50 पे लगाते हैं। ये हमारी चल रही है 50 पे क्रूज पे और यहाँ पे स्पीड आ रही है 46। क्रूज हो गया है 60 पे, तो गाड़ी आ गई 60 पे। अब इधर देखते हैं 55-56। तो अभी हमारी गाड़ी की स्पीड स्पीडोमीटर पे 4 किलोमीटर ज़्यादा है GPS से। तो अभी हम नया टायर डलाने के बाद चेक करेंगे, क्योंकि अभी वो अपग्रेड कर रहे हैं तो उसकी स्पीड कितनी ज़्यादा होती है, जैसा कि लिखा जाता है कि स्पीड बढ़ जाती है, तो चेक करेंगे कितनी बढ़ी हमारी स्पीड। और स्पीडोमीटर तो आजकल वैसे भी गाड़ियों में थोड़े ज़्यादा सेट किए जाते हैं, इसका रीज़न है कि चलाते समय लोग जो हैं थोड़ा कम स्पीड में चले, स्पीड मेंटेन रखें। तो 100 पे आते ही अगर जो है 90 पाते अगर स्पीड 100 शो करेगी तो आदमी अपने आप ही थोड़ा धीमा हो जाएगा, तो इससे थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह में बचाव रहता है। तो हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन सुपर टायर शॉप गोमती नगर लखनऊ। तो अभी यहाँ चल के देखते हैं, वैसे तो मैंने सोच रखा है कौन सा टायर डलवाना है। तो ये है ब्रिज स्टोन सेलेक्ट सुपर टायर शॉप।
अभी मैं आ गया हूँ लखनऊ में सुपर टायर स्टोर में, ब्रिज स्टोन सेलेक्ट के लिए है, लेकिन मैक्सिमम सारे ब्रांड मिल जाते हैं और सारे ब्रांड एक रूफ के अंदर कम ही जगह पे मिलते हैं। ये यहाँ का वेटिंग एरिया, तो ये हमारे पुराने टायर निकलना शुरू हो चुके हैं। ये है राइट के टायर, ये फिर भी थोड़े अभी गहरे हैं। आप देखोगे जो पॉइंट है ये अभी थोड़ा सा नीचे है। लेफ्ट के टायर थोड़े अभी सेम है, ये पूरा बराबर हो गया। लेफ्ट के टायर घिसने की बजाय गाड़ी पहाड़ों पे ज़्यादा चली है, हाईवे से ज़्यादा, सड़क पे तो कभी चली है, पहाड़ों पे ज़्यादा चली है। तो पहाड़ों पे लेफ्ट के दो टायर तो हमेशा सड़क के नीचे ही चलते हैं, वो भी हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ों के, ना कि शिमला के। शिमला में तो हाईवे वगैरह चौड़ा है, स्पीति बद्रीनाथ मुंशियारी इन सब जगहों पर आप जाते हो तो दो टायर आपके हमेशा नीचे चलते हैं रोड के, कभी भी कोई अगर गाड़ी सामने से आ रही है। इस वजह से हमारे लेफ्ट दो टायर ज़्यादा घिसे हैं। बाकी सर्विस में रोटेशन होता है, लेकिन आगे के टायर पीछे जाते हैं, पीछे के आगे जाते हैं, राइट के लेफ्ट और लेफ्ट के राइट नहीं करते हैं। ये जो टायर आया है योकोहामा जियोलैंडर ऑल टेरेन, जियोलैंडर 2015, इसकी डेट है 4423, मतलब नवंबर 23। पुराना टायर था 215/60/16 और यह है 215/65/16, तो इस तरीके से ये अपग्रेड हो रहा है टायर का, क्योंकि ऑल टेरेन टायर साठ में आते नहीं है। हर 5,000 आते बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग तो है पर रोटेशन शायद 10 से ही सही रहता है ना, 5 पे कराइए, रोटेशन भी 5 पे, टायर का लाइफ बढ़ेगा, टायर बढ़िया चलेगा। चल ये हो रही है बैलेंसिंग, चल पुराने सारे निकाल लें जी। नए टायर में तो बिना इसके सही होना चाहिए, नहीं नया टायर होगा नया रिम होगा तो भी आपकी बैलेंसिंग होना ज़रूरी है, कि टायर और रिम के बीच का जो अनबैलेंस होता है उसको कवर करता है, जो आपका वाइब्रेशन करती है स्टेयरिंग, हाँ चलाने पे आपका 100 के ऊपर वाइब्रेशन करती है स्टेयरिंग, उसको सही करता है ये, ठीक है। जो टायर ऊपर नीचे दब जाता है उसको 30 ग्राम वेट मांगी से, 30 ग्राम मुझे लगाना कहीं नहीं, इसमें ये एरो दिया होता है स्ट्रेट, बिल्कुल ये इसके यहाँ पर मुझे लगाना होगा जहाँ पे 30 आ रहा है जी, पलट लोगे तो दूसरा यहाँ राउंड कर दिया, यहाँ आया ये देखिए ये पूरा ये आ गया, अच्छा जब पूरा लाल हो जाता है यहाँ लगना है, अब राउंड कर दिया हमने यहाँ नहीं लगना, ये 60 की लड़ी होती है इसमें ही हम 30 ग्राम तोड़ेंगे, इसको सही जगह फिक्स कर देंगे, फिक्स हो गया, अब इधर से जीरो हो जाएगा जो 30 मांग रहा था, जीरो आ जाएगा। नहीं मतलब जैसे ये अपग्रेड हुआ कुछ मतलब गाड़ी का स्टीयरिंग भारी भारी तो नहीं हुआ? नहीं, स्टीयरिंग और स्मूथ हो गया, ब्रेकिंग अच्छी हो गई है और ये गड्ढों पे जैसे हाइट बढ़ी है ये तो गड्ढों पे थोड़ा कुशनिंग हो गई होगी, गड्ढों पे भी अच्छा हो गया है, कोई प्रॉब्लम इस साइड से नहीं होती और चलता काफ़ी है, फटने के चांस कम हो जाते हैं क्योंकि ये हाइट बढ़ गई है ना, वो तो क्या है ना जब ये पिन शॉक लेता है जब एकदम से दबता है तो खुल जाता है, लेकिन ये इतना हाइट इसकी बढ़ गई है इसकी वजह से ये पिन शॉक लेगा नहीं जाता और बेहतर रहेगा। तो टायर सारे लग गए, बैलेंसिंग हो गई है, अब अलाइनमेंट बाकी है। ये जो पहले हमने नापा था ये 13 आ रही थी यहाँ पे,
अभी आ रही है 14 1 इंच mm में कन्वर्ट करके बता देंगे। ये सुपर टायर शॉप गोमती नगर, रेट और फैसिलिटीज़ के हिसाब से ये शॉप बेस्ट है जो मैंने आरएनडी की। और ये है हमारा नया टायर योकोहामा जियो लैंडर 80 G015 और 215/65/16। पहले ये डिग्री आपकी प्लस में थी 41 42 माइनस 4, अब इसको हमें -1 से 11 के बीच में रखा है और 5 के ऊपर रखना है। अच्छा, तो ये 8 और 8 फाइनल कंप्लीट 5 और 11 के बीच में होना चाहिए। अलाइनमेंट हो चुका है और हमारी गाड़ी बाहर जा रही है। ये हमारी बिलिंग हो रही है। तो यहाँ पे हमारे टायर अपग्रेड हो चुके हैं। जैसा ही आप लोगों ने देखा, गाड़ी की हाइट 1 इंच बढ़ चुकी है। अब चेक करते हैं स्पीडोमीटर में कितना फ़र्क आया है। अभी स्टार्टिंग में जो चलाया है कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मतलब पहले से तो कम ही आवाज़ आ रही है टायर की, तो ऐसे तो आ भी नहीं रही कोई आवाज़। और अभी चेक करते हैं स्पीडोमीटर में स्पीड कितनी इसकी कम ज़्यादा हुई है जीपीएस के साथ कंपेरिजन करके। तो अब लगाते हैं क्रूज़ पे पहले की तरह, पहले 40 पे लगाएंगे। ये हो गया 40, स्पीडोमीटर की हो गई 40। और तो यहाँ की देखते हैं, यहाँ की 38 40 38 37 38। तो जो पहले 4 कम थी वो जो है अब 60 पे। अब देखते हैं जीपीएस पे कितना आ रहा है, 60 60। तो टायर की स्पीड भी चेक हो गई, 1 या 2 का फर्क आया है। पहले 4 या 5 स्पीडोमीटर हमारा जीपीएस से पीछे था, अब 3 पीछे है। 60 की स्पीड में हम चला रहे हैं तो जैसा कि हमने देखा 57 तक आ रहा है, और 40 पे चला रहे थे तो 37 आ रहा था। तो अभी मतलब हमारी स्पीडोमीटर जीपीएस के हिसाब से थोड़ा और एक्यूरेट हुआ है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने योकोहामा जियो लैंडर लेने का कैसे प्लान किया। तो गाड़ी के साथ जो टायर मिला था वो MRF का था और वो करीब 35,000 पर ही घिस गया था। तो अभी उसको हम चला रहे थे, सिटी में चला रहे थे। जैसा आप लोगों ने देखा पिछली ट्रिप हमारी सिक्किम की फ़्लाइट से ही थी और ट्रेन से, तो हम जा नहीं रहे थे। तो अभी हमारा 35 से 40 करने का मेरा था, तो अब गाड़ी हमारी 40 हो गई है। तो 40 पे अब मैंने सोचा अब हमें चेंज करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया टायर तो पूरे गायब जा चुके थे, लेफ्ट साइड के ज़्यादा घिसे हुए थे, राइट साइड में थोड़ा बाकी था। तो लेफ्ट साइड का पूरा जो हमारा इंडिकेटर होता है कि कब टायर चेंज करें उसके बराबर हो गया था। और अब की मैंने सोचा कि अब हमें पहाड़ पर, जैसे हमारी ड्राइव ज़्यादा है, पहाड़ पर ड्राइव हमारी ज़्यादा है, तो हमें कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा टायर ऐसा लेना चाहिए जो हाईवे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस हमें दे। टायर कंपनियों की बात करें तो मेरी R&D के हिसाब से मिशलिन नंबर 1 है और कॉन्टिनेंटल नंबर 2 है, योकोहामा नंबर 3, ब्रिजस्टोन नंबर 4। ये मेरी R&D है, कुछ अलग भी हो सकता है आप लोग के हिसाब से, बाकी फिर इसके नीचे आ जाते हैं। तो मिशलिन का एक्स्ट्रा सॉफ्ट होता है, तो पहले मैं उसके लिए जा रहा था, लेकिन फिर R&D की तो पता चला कि एक्स्ट्रा सॉफ्ट जो है पहाड़ वगैरह या ऑफ रोड में जल्दी घिसेंगे। एक्स्ट्रा सॉफ्ट में मिसलिन और कॉन्टिनेंटल में ब्लू अर्थ आता है, तो इन दोनों में पहले मैं प्लान कर रहा था लेने का, लेकिन जब ये पता चला कि भैया रोड के हिसाब से सही नहीं रहते हैं तो इनको लेने का प्लान छोड़ा। फिर कॉन्टिनेंटल में एक तो आता है आपका UC6 कम्फर्ट के लिए और एक क्रॉस कॉन्टैक्ट HT आता है। तो क्रॉस कॉन्टैक्ट HT थोड़ा बेटर है नॉर्मल हाईवे टेरेन से, तो उसके लिए प्लान कर रहे थे। लेकिन जब पता कि कॉन्टैक्ट जो था वो 65 के उसमें था, जो कि हमारा 215 60 R15 है,
वो 265 पे, वो 215 65 और 16 था। तो मतलब उस टायर की चौड़ाई 65 थी, जो अभी हमारे में 60 है। तो उस पर फिर जब मैंने कहा 65 पे जाना ही है, तो फिर क्रॉस ST क्यों लिया जाए, 80 क्यों ना लिया जाए। तो फिर पता किया तो हमें इसी में आता है हमारा 215 16 65 में जियोलैंडर आता है। जियोलैंडर में भी कई सारे हैं, तो जो हमारा एकदम बैलेंस्ड है हाईवे और कंफर्ट और स्पीड नॉइस सबके हिसाब से जो एकदम बैलेंस है, वो है आपका जियोलैंडर G015। इसके नीचे आता है आपका जियोलैंडर SUV, वो थोड़ा हाईवे टेरेन ज़्यादा है। एक इसके ऊपर आता है वो ऑल टेरेन ज़्यादा है। तो फाइनली हमने ये इस पे पहुँचे कि योकोहामा जियोलैंडर पे जाए। योकोहामा के एक फ़ायदा और है, योकोहामा के टायर जो हैं हमारे 5 साल की अनकंडीशनल वारंटी है, कॉन्टीनेंटल की 2 साल की वारंटी है, और सबसे बढ़िया मिचलिन की वारंटी केवल फूलने की है टायर, और जो कि उनका फूलेगा नहीं, क्योंकि उनके जो है ट्रिपल जाली होती है, उनके जो आपके चौड़ाई होती है, तो जो चीज़ होने नहीं उसकी उन्होंने गारंटी दे रखी है, और उनकी कोई गारंटी और कोई भी चीज़ कटने पिटने कोई गारंटी नहीं। और दूसरी दिक्कत, अगर आपको मान लो वारंटी मिल भी जाती है फूलने की, टायर के इम्पोर्ट अभी बंद है, तो जहाँ पे आपको टायर मिल भी जाएगा तो ज़रूरी नहीं नेक्स्ट टाइम जब आपको टायर की वारंटी लेनी हो, एक्सचेंज करना हो, उस समय वो टायर अवेलेबल हो। तो मिचलिन के साथ एक ये भी दिक्कत है। तो फाइनली हमारा गाड़ी में लग चुका है योकोहामा 80 ऑल टेरेन। तो अब देखते हैं कितनी हाइट या ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ी है हमारी गाड़ी की टायर अपसाइज कराने के बाद। फार्मूले के हिसाब से तो 11 mm बढ़नी चाहिए, क्योंकि जो हमारा 60 से 65 हुआ है ये परसेंटेज होता है चौड़ाई का। तो पहले 215 का 60% जो था वो 129 mm था, अब 215 का 65% 140 mm के अप्रॉक्स हो गया है। तो उस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस 11 mm बढ़नी चाहिए, पर जैसा कि हमने अभी नापा था वो 1 inch बढ़ी है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि पहले के टायर बहुत ज़्यादा ही घिस गए थे, उसकी भी थोड़ी हाइट कम हुई होगी, और हवा भी थोड़ा शायद पहले से ज़्यादा थी। तो ओवरऑल अगर बोलें तो गाड़ी की इसकी हाइट ग्राउंड क्लियरेंस 195 mm होता है, तो अब मिनिमम 206 तो हो ही गया है, जो कि अप्रॉक्स नेक्सॉन के बराबर हो गया है। बाकी नापने में तो थोड़ा ज़्यादा ही आ रहा है, तो एक तरीके से बढ़िया ही है ऑफ रोडिंग के हिसाब से। गाड़ी की स्टेयरिंग में भी कोई इशू नहीं आया है, पहले की तरह लाइट है। यूटर्न लग वगैरह लेने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ पहले जैसे ही लाइट लग रहा है। टायर के कॉस्ट की बात करें तो इसका एक टायर 8700 से 8900 के अप्रॉक्स रेंज में मिल रहा है, जो कि मुझे 8700 का पड़ा है सुपर टायर शॉप में। वैसे तो लखनऊ में कई शॉप अच्छी हैं, उनके ओनर भी अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, लेकिन जो है कई जगह पे हर टाइप के कैटेगरी के टायर नहीं है, हर कंपनी के टायर नहीं है, और कहीं पे स्टॉक नहीं है, और है तो बहुत पुराना वाला स्टॉक रखा हुआ है। तो उस हिसाब से मैंने जितने भी R&D की, ये जो सुपर टायर शॉप है गोमती नगर में, ये मुझे लखनऊ में बेस्ट लगी। यहाँ पे एक रूफ के अंडर में ही आपको सारे ब्रांड मिल जाते हैं, टायर भी लेटेस्ट रहते हैं, और यहाँ पे टायर का प्राइस भी एक बार में ही लोएस्ट बताते हैं आपको। फिर जो भी और जगह पे आप पता करोगे उससे यहाँ पे लोएस्ट ही रहता है, और सर्विस भी यहाँ की बहुत बढ़िया है। वैसे लखनऊ में एक शॉप है जिनके 3-4 ब्रांचेज हैं, वो शॉप आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उनके यहाँ टायर के रेंज तो अच्छी हैं, ब्रांड भी सारे मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे रेट भी बहुत ज़्यादा बताया जाता है शुरू में ही, और वहाँ पे थोड़ा सा बिहेवियर भी सही नहीं लगता है जो वहाँ के स्टाफ हैं, जो भी लोग हैं, तो वो शॉप आप अवॉइड कर सकते हो। तो इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। अब मिलेंगे किसी नई सीरीज़ में, जिसमें हम इस नए टायर्स का फीडबैक कैसा रहा ये आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।